पूरे 3 साल के बाद दहियाओं बाजार का दशहरा मेला फिर से आयोजित किया गया। दहियाओं का मेला इसके आसपास के सभी क्षेत्रों में सबसे विशाल और भव्य होता है। इसकी वजह से यहाँ हर साल भीड़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मैं हूँ सोएब अंसारी और आप इलाहाबाद डिवाइन चैनल देख रहे हैं, और मैं हमेशा से अपने वीडियो के माध्यम से किसी भी गांव या कस्बे को दिखाने की कोशिश करता हूं। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सभी लोग अपने परिजनों के साथ मेला देखने आते हैं, क्योंकि यहां विभिन्न तरह के खेल आयोजित किए जाते हैं। बच्चों को मेले में जाना सबसे अधिक पसंद है। मेला उत्सवों की जान होती है। यहाँ विविध तरह के मनोरंजन से भरे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। थोड़े समय के लिए हम अपनी परेशानियों को भूलकर एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। हो सकता है कि आप अपनी युवा अवस्था में हों, परंतु मेला जाने के बाद आपको अपने बचपन में बिताए हुए उन अनुभवों को जरूर याद करेंगे जो आपके साथ बचपन में हुआ है। दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान गाँव में मेला आयोजित किया जाता है। लोगों के धार्मिक विश्वासों को ध्यान में रखकर उत्सवों के दौरान प्रतिवर्ष मेला आयोजित किया जाता है। गांव का मेला आमतौर पर शहर के मेलों से छोटा होता है। भारतीय स्थानीय ग्रामीण मेले में दुकानदार जो दुकानें लगाते हैं वो ज़्यादातर खिलौने और मिठाइयाँ बेचते हैं। गांव के मेले का मुख्य आकर्षण बच्चों के लिए मिठाई, विभिन्न प्रकार के झूले, खेल और घरेलू वस्तुओं और खिलौने की दुकानें होती हैं। एक विशिष्ट देसी गाँव के मेलों में विभिन्न मिठाइयों की खुशबू का वर्चस्व होता है, जो विक्रेताओं द्वारा ताज़ी बनाई जाती है। एक गांव के मेले का आकर्षण समोसा, कचौरी, गोलगप्पे और नमकीन जैसी दुकानों का होता है। मेले में ज़रूरत के घर के सामान जैसे बर्तन, कपड़े इत्यादि की दुकानें लगती हैं। ऐसे दुकानों पर लोगों की काफ़ी भीड़ होती है और वहां मोल भाव करके ख़रीदारी भी होती है। मेले में विभिन्न तरीके के खेल आयोजित किए जाते हैं। मेले में जादूगर भी होते हैं जो अलग अलग जादू दिखाते हैं, जिससे बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है। मेले में बड़े बच्चे अपने मित्रों के साथ आते हैं और इसका भरपूर आनंद उठाते हैं। मेले में जो खेल आयोजित किए जाते हैं, अगर उसे हम जीतते हैं तो हमें इनाम मिलता है। कुछ दुकानदार चिल्लाकर अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। ऐसा वह इसलिए करते हैं ताकि ग्राहक उनके पास आएं। दुकानदार आइसक्रीम और खाने की चीज़ों को बेचते हैं और लोग उन्हें बड़े मन से खाते हैं। गांव और शहरों में रामलीला का मेला भी लगता है। गांव में रामलीला के मेले बड़े ही चर्चित होते हैं। हमारे देश में हर त्यौहार पर मेला लगता है। कई गांव में रामलीला के मेले कई दिनों तक चलते हैं। लोग त्यौहारों की खुशी में नए नए कपड़े पहनते हैं और अपने परिवार के साथ मेला घूम कर सभी लोगों को खुशी मिलती है। मेला देखने के लिए गाँव में कई किलोमीटर तक लोगों को पैदल जाना पड़ता है। मेले में जाने की खुशी में लोग सब कुछ भूल जाते हैं। बच्चे अपने अभिभावकों से थोड़े पैसे मांगते हैं ताकि वह गोलगप्पे और समोसे खा सकें, अपने पसंद के खिलौने खरीद सकें। मेले में लोग हर चीज़ का आनंद उठाते हैं। बच्चे गुब्बारे, गुड़िया, सीटी, चश्मे, बांसुरी जैसे चीज़ें खरीद कर ले जाते हैं। इसके अलावा मेले में मदारी खेल और पशुओं की शानदार सवारी लोग करते हैं। कुछ लोग बंदूकबाजी भी करते हैं। इन सभी कार्यक्रमों को लोग एक साथ एकत्रित होकर देखते हैं। सभी लोग मेले में जाकर इतने खुश होते हैं कि उन्हें लौट कर आने का मन नहीं करता। मेले में काफ़ी अधिक लोग आते हैं, इसलिए भीड़ भी ज़्यादा होती है। दहियाओं का मेला भी बहुत खूबसूरत होता है। वहाँ विभिन्न प्रकार के भोजन इत्यादि का प्रबंध रहता है। मेले में पहुँचकर हमें शोरगुल का पता चलता है। मेले में जाकर पहले लोग एक चक्कर लगाकर सब कुछ देख लेते हैं, फिर कुछ समय के पश्चात लोगों को भूख लगती है। मेले में हमें चटपटे और चाट गोलगप्पे खाने को मिलते हैं। बच्चों से लेकर सभी मेले में घूमकर ख़रीदारी करके खुश होते हैं और शाम होते ही लोग अपने घर लौट आते हैं। दोस्तों, ये था दहियाओं बाज़ार मेले का एक छोटा सा वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।